अगले लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में, हेल्थ केयर सेक्टर के शेयर के बारे में दोस्तों। इस शेयर का नाम है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। ये कोलगोमोराइट कंपनी है दोस्तों, और ये ऑपरेट हॉस्पिटल चेन ऑपरेट करती है दोस्तों। और इनके बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल सेंटर, फार्मासीज एंड मिडिल ईस्ट एंड इंडिया में भी ये कंपनी काम करती है दोस्तों। तो ये कंपनी इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया भी काम करती है। इट ऑफर्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी हेल्थ केयर विथ मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। द कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज इन एरिया सच एज कार्डियोलॉजी, डेंटल, डर्मेटोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स, इनकी बहुत सारी है दोस्तों, डायबिटोलॉजी, ENT, गायनोकोलॉजी, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, न्यूरोलॉजी। तो ये बहुत सारे सेक्टर में काम करती है दोस्तों कंपनी। और ये एस्टर डीएम हेल्थ केयर प्राइवेटली नोन एज डॉक्टर मूपेन ग्रुप एंड चेंज हिज नेम इन 2008। तो इनका इस ग्रुप को पहले डॉक्टर मूपेन ग्रुप से जानते थे दोस्तों, बाद में इन्होंने 2008 में नाम चेंज कर दिया है। द कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1987 एंड इज बेस्ड इन दुबई, यूनाइटेड अरब इमीरेट विथ ऑपरेशन इन GCC। तो देख सकते हो कंपनी 1987 में दुबई बेस्ड कंपनी है दोस्तों, और ये यूनाइटेड अरब से चालू हुई है दोस्तों ये कंपनी। और इन्होंने बिजनेस अपना एक्सपांड करके इंडिया में भी लेके आए दोस्तों। और अभी हम आते कंपनी के ओवरव्यू पे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10,662 करोड़, और इसका फेस वैल्यू है 10। ये फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकता है दोस्तों। और ये कंपनी आप देख सकते हो आगे जाके अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं। आप देख सकते हो गाइस, अभी ये शेयर फ्राइडे के दिन 7% की रैली कर चुका है दोस्तों। 200 के ऊपर जा चुका है अभी ये शेयर, 200 के ऊपर सस्टेन कर रही है अभी। और अभी हमारी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे प्रमोटर के पास है 37%, FII इज 11%, DII इज 8.64%, और पब्लिक देखिए 42% पब्लिक है दोस्तों इसमें। पब्लिक ने जम के माल खरीदा है दोस्तों इसमें। अदर्स है 0.45% दोस्तों इसमें। और देख सकते हो प्रमोटर की जो भी होल्डिंग है उसमें इन्होंने 10% दोस्तों प्लेज कर रखा है। अभी हम आते हैं इसकी पीयर्स कंपनी पे। आप देख सकते हो दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये सभी इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी है दोस्तों। और एस्टर डीएम भी इन्हीं के साथ अभी कॉम्पीट कर रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो ठीक ठाक मार्केट कैपिटलाइजेशन है एस्टर डीएम हेल्थ केयर का भी, और मैक्स हेल्थ केयर भी आप देख सकते हो। ये शेयर भी अभी अभी लिस्ट हुआ है दोस्तों मार्केट में, मगर ये शेयर का मार्केट कैप ज्यादा है दोस्तों। और ये शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकता है दोस्तों। 1 ईयर परफॉर्मेंस में देख सकते हो और नेट प्रॉफिट चेक कर सकते हो आप। एस्टर डीएम और मैक्स हेल्थ केयर दोनों का नेट प्रॉफिट है लगभग सेम दिख रहा है दोस्तों, और दोनों के रिटर्न भी सेम ही दिख रहे हैं दोस्तों। मार्केट कैप में ज्यादा डिफरेंस है दोस्तों। मैक्स हेल्थ केयर का मार्केट कैप ज्यादा है, एस्टर डीएम का बहुत ही कम है दोस्तों। ये शेयर भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना के दे सकता है दोस्तों। और रेवेन्यू देखिए दोस्तों, तगड़ी रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी, और कंटिन्यूअसली रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हो 2022 में कंपनी ने 10,253 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, और नेट प्रॉफिट देखिए कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा था, और अभी 2022 में कंपनी ने जबरदस्त रिकवरी की है दोस्तों। आप देख सकते हो 600 करोड़ रिकॉर्ड ब्रेक नेट प्रॉफिट कर दिया है दोस्तों। और देख सकते हो ये कंपनी छोटा सा इंटरेस्ट भी पे करती है, और एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम आप देख सकते हो एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो इस वजह से ये कंपनी ज्यादा नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती है। आप देख सकते हो कंटिन्यूअस अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश कर रही है कंपनी। और अभी हम आते कंपनी के रिजर्व्स पे। आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली कंपनी अपने रिजर्व्स भी बढ़ा रही है। अभी कंपनी के पास 3,456 करोड़ के रिजर्व्स अवेलेबल है, और पिछले 1 मंथ में ये शेयर आप देख सकते हो 23% भाग चुका है दोस्तों। 23% की रैली हो चुकी है इस शेयर में, और एक साल में देखिए, एक साल में इस शेयर ने 34% के रिटर्न बना के लिए दोस्तों। इसका 52 वीक लो है 148 रुपीज, और 52 वीक हाई है 237 रुपीज। तो ये अपने 52 वीक हाई के आसपास आ चुका है दोस्तों अभी। और 5 सालों में देखिए, 5 सालों से ये शेयर ने कुछ भी रिटर्न नहीं बनाया दोस्तों। 2018 में ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई, और ये शेयर 100 रुपीज के नीचे जा चुका था दोस्तों, और इसने फिर से रिकवरी कर ली है अभी। और मैक्सिमम देखिए अभी तक इस शेयर ने 24% के रिटर्न दिए दोस्तों 4 सालों में। 4 सालों से ये कंपनी लिस्टेड है मार्केट में, और तब से लेके अब तक इसने 24, इसमें अभी तक रैली नहीं हुई है दोस्तों। ये शेयर आगे भाग सकता है दोस्तों, फ्यूचर में आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है। अरे ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।